Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to discuss the remaining part of photosynthetic pigments, means the accessory pigments, and as well as the light, the deriving energy. So let's move to the class board. So, dear students, our main topic was photosynthetic. And we have divided the main the photosynthetic pigments into two categories. Number one, the main photosynthetic pigments, and number two are the accessory. Photosynthetic pigments. Clear. Yeah? So, students, what is the main photosynthetic pigment? So, main photosynthetic pigment A kia, that is chlorophyll. Students, which C Chlorophyll A or B or C or D? सो क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक पिगमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था जहाँ तक पाता है तो असेसरी पिगमेंट फर्दर दे आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज नंबर वन द क्लोरोफिल बी को डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कंपैरिजन में पड़ा था क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को होपफुली वो ये तो हो गया क्लियर अब दूसरा जो पार्ट है पिगमेंट्स का क्लियर और कैरोटीनॉइड का डियर स्टूडेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो उसको शामिल करेंगे साथ में दैट दी पिगमेंट्स लो एंड रेड टू ऑरेंज कब इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना ये इनके कलर्स की बात हो रही है जैसे क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जबकि कैरोटिन जो है ये येलो टू ऑरेंज हो सकते हैं या फिर रेड टू ऑरेंज ये इनकी कलर की जो रेंज है ये रेंज है इनका अपना कलर है अब जैसे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब किस किस को करती है वो दैट इज अनदर मैटर ठीक है लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये इनका कलर कैसे है ठीक है क्लोरोफिल ए का हमने बताया था दैट इज ब्लू ग्रीन इन कलर क्लोरोफिल बी क्या है इट इज येलो क्लीर इन कलर ठीक है चलो इसके साथ कंपेरिजन में लिख देता ताकि ये कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए इनको हमने कंपेरिजन में किया था इट इज येलो ग्रीन एंड इट इज ब्लू ग्रीन ये इन पिगमेंट्स के अपने कलर हैं हम यहां पर इनकी एब्जॉर्बशन की कोई बात नहीं अभी कर रहे हैं क्लियर इसी तरह से जो कैराटीनाइट्स हैं ये ऐसी असेसरी पिगमेंट्स हैं जिनके कलर येलो टू ऑरेंज हो सकता है या फिर येलो रेड टू ऑरेंज हो सकता है क्लियर अब बात करते हैं कि ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं ठीक है सो दे स्ट्रॉगली एब्जॉर्ब कैराटीनाइट्स की बात कर रहा हूँ the carotenoids strongly absorb blue violet range abj रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ एब्जॉर्बेंस की बात हो रही है क्लियर ये इनके अपने कलर है और ये रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो विजिबल लाइट की है तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें ये इन पिगमेंट्स के अपने अपने रंग हैं यानी दिखने में कैसी लगती हैं जबकि यहाँ पर मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ कि ये एब्जॉर्ब कौन सी रेंज को कर रहे हैं ब्लू वॉलेट ब्लू वॉलेट क्लियर Now, हम think carotenoids further like there are further divided into two parts there are two types the carotenoids as I told you previously carotenes and xanthophylls. क्लियर जो कैरोटीन से दे आर एक्चुअली रेड टू ऑरेंज इन कलर एंड जैंथोफिल्स दे आर येलो टू ऑरेंज इन कलर क्लियर सो दैट इज अबाउट दैम अब डे इन कैरोटीन आइस चूंकि हमारा जो आज का असल टॉपिक यही था क्योंकि ये तो दो, दो हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में सो केरोटीन कलर कौन सा है येलो एंड रेड टू ऑरेंज और ये अब्जॉर्ब क्या करते हैं ब्लू वॉलेट ऑरेंज को ये हम सी लिए मार्क कर लें इन, इनको भी सी के लिए मार्क कर लें अब इनका जो मेजर फंक्शन किया सो कमिंग टूवर्ड्स देयर फंक्शन So carotenoids absorb intense light, intense light, and protect. The chlorophyll chlorophyll A by absorbing or dissipating visible light. Is Bath assumption? सो so, केटे असल में जो इंटेंस लाइट है उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेंगी और एब्जॉर्ब जो जो एब्जॉर्ब करेंगे उसको पास करेंगे टूव द क्लोरोफिल बी और बाकी जो है उसको डिसिपेट कर देंगे डिसिपेट का मतलब इधर उधर फैला देंगी ताकि क्लोरोफिल ए जो कि इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो खराब ना हो ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना खराब हो अगर इसी को डियर स्टूडेंट्स ये जो इंटेंस लाइट जो आती है सूरज की रोशनी से विजिबल लाइट के अंदर इंटेंस काफ़ी शिदत से क्योंकि आंखें ख़राब कर सकती है तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रही हैं कैरोटेनाइड्स तो इसका मतलब है हमारी आंखें भी प्रोटेक्ट हो रही हैं क्लियर सो सिमिलरली प्रोटेक्टिंग ह्यूमन आई प्रोटेक्टिंग ह्यूमन आई क्लियर तो उसको ये प्रोटेक्ट कर देती हैं अब इनकी हम वो तरतीब लिखने लगे हैं जिस तरतीब से यानी जिस पैटर्न से ये लाइट आती है कौन पहले एबजॉर्ब करता है फिर किसको ट्रांसफर करता है क्योंकि ये असेसरी सो so, असेसरी पिगमेंट्स का एक क्राइटेरिया है दैट द कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब लाइट And pass on to chlorophyll b, and the chlorophyll b it pass on to chlorophyll a. So this is the sequence, and chlorophyll a in return.

ड्राइविंग एनर्जी ड्राइविंग एनर्जी मीन्स के यही ड्राइव कर रही है फोटोसिंथेसिस को इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है सो डियर स्टूडेंट्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली लाइट Is a form of energy called electromagnetic energy. और रेडिएशंस क्लियर तो ये एम सी उसके लिए मार्क करें लाइट कौन सी फॉर्म है एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है को ऐसी यानी कि एनर्जी जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो ऐसी रेडिएशन जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ना पड़े क्लियर अब डे स्टूडेंट्स लाइट जो है एक्चुअली लाइट इज डूल इन नेचर यू डूल इट बिहेव्स एज वे वेवी बिहेव करती है नंबर वन एंड पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती, करती है जब ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगी तब इसे हम कहेंगे फोटो एज फोटो क्लियर स्टूडेंट्स The light which is important to life important is visible light is visible light that ranges. फ्रॉम जी डी स्टूडेंट्स क्या रेंज है इसकी थ्री एटी नाइनोमीटर्स टू सेवन फिफ्टी क्लियर ये इसकी रेंज है विजिबल लाइट की और ये भी चीज याद रखनी है नॉट ऑल नॉट ऑल द लाइट Falling on our leaf is absorbed only only one percent. Only one percent of visible light. Is absorbed while ninety-nine percent is reflected back to the space is reflected or us 1%, joe, jo one percent are here, that is actually taking the part in photosynthesis. और डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी दैट द ओनली लाइट द ओनली लाइट विच रन फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस को रन करेगी ज द लाइट दब्सॉर्ब दू एब्सॉर्ब होगी अब जो स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि डिफरेंट फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स है डिफरेंट फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और फोर डिफरेंट वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करती है ठीक है और उसके जरिए फिर एक ग्राफ बनाया जाता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम क्लियर और उसको क्या नाम दिया था हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ठीक है सो नेक्स्ट हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं दैट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का लवसी मानी ग्राफ है ठीक है ऐसा ग्राफ जो किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा हो उसे बहुत टेक्निकल सी बात है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें मुख्तलिफ अब एब्जॉर्ब कौन कर रहा है लाइट हम हम लाइट को एब्सॉर्ब कौन कर रहा है तो ये डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करती हैं दैट इज एक्चुअली वॉट द एब्सॉर्ब स्पेक्ट्रम सो द ग्राफ द ग्राफ वॉटिंग हम ग्राफ लॉट करते हैं द रलेटिव एब्जॉप रेलेटिव एब्जॉप क्यों क्योंकि हमारे पास पासनाइट्स भी हैं दो तरह की हमारे पास क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल बी है और हमने बात की थी क्लोरोफिल ए फर्दर आगे चार टाइप्स की है वो रेड पीक्स की जो एब्जॉर्स है उसकी वजह से ए सिक्स सेवनटी ए सिक्स एटी ए सिक्स नाइनटी एंड ए सेवन हंड्रेड क्लियर तो इस वजह से हम रिलेटिव एबजॉर्प्शन की बात करें कंपेरेटिव कंपेरेटिव रेलेटिविव So, the graph plotting the relative absorption of different wavelengths by a photosynthetic pigment. By a photosynthetic pigment. ज कॉल्ड उस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर तो बहुत सादा सी बात टेक्निकल बात कोई रटा नहीं डिफ्रेंस स्पेक्ट्रम किसे कह रहे हैं एक ग्राफ को जो किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को बताता है एब्जॉर्प्शन किसी चीज का एब्जॉर्ब होना तो क्या चीज अब्सॉर्ब हो रही है लाइट कौन कर रहा है लाइट को अब्सॉर्ब द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो फोडोस एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो कौन सी वेवलेंथ को क्योंकि अब लाइट जो है हमने बात की तो वो सात कलर्स में स्प्लिट होती है ठीक है इंटू वॉलेट इंटीको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को कितना कितने परसेंट ऑब्जॉर्ब कर रही है वो ग्राफ एक्चुअली बताएगा दैट वेल a ग्राफ इज़ कॉल्ड एज absorption स्पेक्ट्रम Clear? बहुत टेक्निकल सी बात बहुत आसान बात कोई रट्टा नहीं इसमें आपने लगाना इसको टेक्निकल वे में समझना है क्लियर अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के वो जो ग्राफ है किस तरह से बिल्ड किया जाता है किस तरह से उसको बनाया जाता है और वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी ये जो हम इतनी सारी photosynthetic pigments पिगमेंट्स पड़ी हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या, क्या एब्जॉर्ब कर रही है क्लियर तो आइए उसको आप देख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी मेंशन कर लें कि दो तरह के हमारे पास हम मेजर अगर बात करें क्लोरोफिल्स हैं और कैराटोनाइड्स हैं ठीक है थीके? तो क्लोरोफिल्स करेटोनाइड्स की मैंने आपको बात की कि वो किसको को ऑब्जॉर्व कर दी ब्लू वॉलेट कलर को और जो क्लोरोफिल्स हैं दे मेनली यस डियर स्टूडेंट्स पहले बताया आपको इनके डिफरेंसेस में बताया था कौन से कलर को ऑब्जॉर्व करती हैं रेड एंड ब्लू ठीक है सो so, हम अगर क्लोरोफिल्स की बात करें क्लोरोफिल्स हमारे पास यहां पर कंपैरिजन में दो ही हैं मतलब कि ए एंड बी ये दो पीक्स शो करती हैं एक पीक है इनकी वन पीक इज एट फोर हंड्रेड एंड थर्टी नैनोमीटर और एक पीक आ रही है दो पीक हैं एक पीक है एट अबाउट सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी नैनोमीटर क्लियर अब जो यहां पर पीक आ रही है ये है एक्चुअली ब्लू कलर की ठीक है ये शो करती है ब्लू लाइट की अब्जॉर्बेंस और जो 670 की जो पीक है आपको याद है ठीक है सो so, 670 तो यहां पर वो एब्जॉर्ब कर रही है रेड कलर को रेड कलर की वेवलेंथ को ये दो मैक्सिमम हमारे पास पीक्स आ रही हैं जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं जी तो डियर स्टूडेंट्स आप बनाते हैं हम ग्राफ जो कि शो करेगा बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और कौन कौन सी वेवलेंथ को वो कहां, -कहां पर एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसको आप देखते हैं सो इट इज नॉट मच डिफिकल्ट आप जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इन शाह यू विल बी फाइंड इट इजी आप इसको आसान समझेंगे अगर आप इसको गौर करेंगे यहाँ पर इट इज मेड और एक्चुअली देखने में आपको मुश्किल लगेगा जो आपने बुक में देखा होगा लेकिन यहाँ पर इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा टेक्निकली तो इनशाला आपको मुश्किल नहीं लगेगा आप मेरे साथ साथ इस बात को कॉन्सेंट्रेशन से सुनेगा प्लीज़ शर्त रही है कौन होनी चाहिए आपकी Along this axis, you are going to show the percentage of absorbed light. So that's it. So over here, the percentage absorbed. And what is is absorbed? Light. Who absorbs it? The photosynthetic pigments. Clear. And along this axis, we are going to discuss and a lot, the different wavelengths. so each point shows 10 650 Two, three, four, and five, seven hundred, and one, two, three, four, and five, seven hundred and fifty. Clear? So that is the range, and over here, this is three eighty. Clear? At this point, it is three eighty. एक्चुअली दिस इज दब यहां पर मैं एक्चुअली वो वेबलैंथ को डिवाइड करने लगा फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं कौन सा कलर कितने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली वो काम कर रहा है सो फ्रॉम थ्री एटी टू फोर हंड्रेड इट इज violet Clear? from 400 to 420 it is indigo and from 420 to approximately, Four nine five that is blue, and from four nine five to four seventy five it's green. And from four seventy five to uh, sorry, and from five ninety five to five seventy five to five ninety five it is yellow, and from five nine five.

गाय और क्लियर तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको uh, इनकी वेवलेंथ बताई है कि कौन से कलर जो है वो कौन सी वेवलेंथ को कितनी वेवलेंथ पे uh, उसकी कितनी वेवलेंथ है और यहां पर इट मीन्स कि हमारा जो नीचे एक्सेस है इट इज शोइंग ऑफ डिफरेंट कलर्स मींस लाइट दिस दिस तक क्लियर हो गया आपको यहाँ हमने अपना ग्राफ बना लिया अब हमारे पास तीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है नंबर वन सो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए कौन से कलर की है इसका मेजर कलर क्या है इट इज़ ब्लू ग्रीन तो इसलिए मैं इसको ब्लू से शो करूंगा तो आ, जो क्लोरोफिल ए जो है वो वॉलेट कलर को एब्ज़ॉर्ब करती है और फिर उसके बाद इंडिगो को एब्ज़ॉर्ब कम करती है ठीक है और फिर उसके बाद ब्लू को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है अपटू सेवेंटी परसेंट तक और फिर उसके बाद Green में बिल्कुल ये ग्राफ नीचे को आता है उसकी ऑब्जॉर्बेंस कम हो जाती है और फिर उसके बाद येलो फिर उसमें थोड़ी सी ऑरेंज और फिर रेड रेड में इसकी ऑब्जॉर्बेंस बढ़ गई फिर उसके बाद इसकी एब्जॉर्बेंस कम हो गई सो दिस इज द ग्राफ विच इज शोइंग क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल ए का लिए क्लियर यहाँ पे मैं की लिख देता हूं ब्लू लाइन दैट इंडिकेट्स क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी कौन सी है येलो ग्रीन है तो उसके लिए ये वाली लाइन इस्तेमाल करेंगे दिस लाइन इज क्लोरोफिल बी तो आइए जरा क्लोरफिल बी को अब देखते हैं तो रिजेंट जो क्लोरोफिल बी है वो थोड़ा सा उसकी जो पीक्स बन रही हैं जो उसकी जो एब्जॉर्ब है एब्जॉर्बेंस जो है वो बाकी तमाम यानी रेंजिस में क्लोरोफिल ए के लगभग है या उससे कम है सिवाय सिर्फ एक के वो है ब्लू क्लोरोफिल बी जो है या बी से याद रखिएगा ब्लू ये ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है क्लोरोफिल ए से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ठीक सो इसकी पीक थोड़ी सी इस तरह से बनेगी अबाउट एट्टी परसेंट से भी थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्लू को एब्जॉर्व करती है और फिर उसके बाद तकरीबन ग्राफ उसी, तर, उसी तरह से नीचे आएगा और ये थोड़ा सा इसी के पैरेलल थोड़ा सा नीचे और जहाँ तक फिर बात है यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ और फिर ये मैक्सिमम यहाँ तक जाकर और ये लाइक दिस सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर एब्जॉपशन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल बी ये इस कलर से येलो क्लियर ब्लू ग्रीन और फिर ये येलो अब हम बात करेंगे कैराटोनाइट्स की अब जरा कॉमन सेंसर से देखें ए और बी इनके ग्राफ तकरीबन दिखने में एक जैसे हैं और ये मैक्सिमम एब्जॉर्बर्स कहाँ पर शो कर रहे हैं एक तो ब्लू की पीकस और दूसरा रेड के अंदर क्लियर और यहाँ पर देखें अब कैराटीनाइट्स को कह लेते हैं उसको हम करते हैं इससे पिंक से सो दिस ग्राफ इज फॉर कैरोटीनॉइड्स तो उसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे uh, उसकी जो एब्जॉर्बेंस अब्सौर्ब, का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है इनसे सो वो हाउ इट इज

ब्लू और रेड में अब इनमें भी डिफरेंस देख लें ज़रा थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेकर चलें तो हमने बात की थी क्लोरोफिल्स मैक्सिम कहाँ पर शो कर रही है ये देखिएगा फोर थर्टी दिस इज़ इसको मैं एक डॉटेड लाइन से शो करूँ ये फोर थर्टी पर पीक बन रही और दूसरी सिक्स सेवनटी सिक्स सेवनटी के करीब ये सिक्स फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सिक्स सेवनटी और इसी तरह से जो हमने बात की जिससे प्रीवियसली यहाँ पर कि पीक्स कहाँ बन रही हैं क्लोरोफिलयर बी की फोर थर्टी और यानी ब्लू रीजन में और रेड में सिक्स सिक्सटी के रेंज में तो इस तरह से पीक्स बनेंगी सो होपफुली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया तो ये डिफरेंट हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेव लेंथ को एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं तो उसी के एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है उससे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर ये खुद से आपको ड्रॉ करना चाहिए जैसे मैंने आपको सिखाया ईच एंड एवरी इसको बेशक बार बार इसको रिवाइंड करके कर देखें लेकिन इसको इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें क्लियर बहुत ईजी है जस्ट यू नीड टू फोकस अबाउट दैट सो याद रखना है कि एब्जॉर्ब्शन क्लोरोफिल्स मेनली क्या ऑब्जॉर्व करें कहाँ पर यहां पर देख सकते हैं एक तो ब्लू कल ब्लू रेंज में पीक्स आ रही हैं इनकी ब्लू में क्लोरोफिल्स की ये और ये पीक्स आ रही हैं और इधर से रेड में क्लियर सो ब्लू प्लस रेड और कैरेप्टेट्स कहां पर ये वॉलेट और ब्लू ये इसको एब्जॉर्व करती हैं। वॉलेट एंड ब्लू रेज इसको एब्जॉर्व करती है तो रेडियो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ग्राफ हमने बनाया अब यहां पर दो चीजें जिनको हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है और आने वाले लेक्चर में एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ उसको कोरिलेट uh, भी करना है ठीक है उसके साथ हमने उसको डिफ्रेंशिएट भी करना है एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ ये तो था एबजॉर्बेशन स्पेक्ट्रम अब यहां पर दो चीजें वाजे करनी है आपने और उसको कंसेप्ट यही से क्लियर करके निकलना है यहां पर दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एक है ये पीक्स ये पीक किसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ पीक मैक्सिमम वैल्यू ठीक है एक यहां पर पीक बन रही है एक यहां पर पीक बन रही है ठीक है तो ये दो पीक्स बन रही हैं ठीक है क्लोरोफिल्स की अब कैराटोनाइस को तो एब्जॉर्बेंस का जो पैटर्न है वो तो है ही डिफरेंट इनसे ठीक है थीके? वो आपने यहाँ पर देख लिया वो सिर्फ वॉलेट ब्लू रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद तो बिल्कुल खलास बिल्कुल डेड लेकिन अच्छा इसका फायदा है इसका फायदा ये है कि यहाँ पर देखिए इनकी एब्जॉर्बेंस इनके यानी कि इंडिगो वाले या इधर देखें इनकी पीक्स क्रटरनेट की बहुत ज़्यादा आ रही है बनस्बत क्लोरोफिल्स के तो ये इस तरह से क्या होगा कि जो एब्ज़ॉर्बेंस का क्राइटेरिया है जो एब्ज़ॉर्बेंस हो रही है लाइट की वाइट लाइट की उसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है एक्चुअली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो सके और मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट एब्जॉर्ब होनी है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेगी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो सिर्फ कलर शो करेगी वो फलां चीज़ का फलां चीज़ का ग्रीन है या फिर वो किसी उसका फ्लावर का कलर है वट एवर इट इज़ लेकिन वो फोटोसेंसिस में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि लाइट द डिराइविंग एनर्जी डिराइव वही करेगी जो एब्जॉर्ब होगी क्लियर तो ये दो पीक्स बन रही हैं एक तो टर्मिनोलॉजी हम ये यूज़ करेंगे पीक्स की आपने पहाड़ देखे ना पहाड़ पीक्स ये असल में वहीं से वर्ड है पीक्स उनकी चोटी को कहा जाता है चोटी को तो और जो पहाड़ों के नीचे वाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं वैली तो ये ऐसे पहाड़ ही हैं एक किस्म के ठीक है उसी की मुनासबत से हम देखें ये पीक्स हैं, उन पहाड़ों की ये हमारे एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम की और ये वाला रीजन ये वाला रीजन ये नीचे ये दरमियान वाला रीजन ये वाला दिस वन इस रीजन को हम कहते हैं वैली पहाड़ों के नीचे जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं वैली कहा जाता है क्लियर तो यहां पर पीक्स को भी देख पीक्स इसकी नैरो इनकी नैरो नैरो पीक्स हैं बहुत यानी पॉइंटेड है पॉइंटेड है इस बात को जरा जहन में रखिए क्योंकि हमने कंपेयर करना है आगे एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ सो इनकी जो पीक्स हैं दे आर नैरो क्लियर और जो इनकी वैली वैली मतलब जो नीचे वाली जगह होती है पहाड़ से नीचे ऊंचाई से जो नीचे बिल्कुल जहां पर आबादी होती है आमतौर पर तो इस, इस जो वैली है ये काफी वाइड है दिस इज एक तो वाइड है और दूसरा इसकी डेप्थ भी अच्छी खासी है प्लस इट इज डीप।, डीप भी है क्लेर? तो ये दो क्राइटेरिया आपने याद रखने हैं इस एक्शॉर्बशन स्पेक्ट्रम के हवाले से तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आके एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ हमने कंपेयर कंपैरिजन में करनी है ठीक है और इनको याद रखने का तरीका गाय और क्लियर ये तरतीब याद रखनी है तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना ये, क्योंकि ये नेचुरल है अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप एमसी क्यू से निकाल सकते हैं यहां पर सबसे कम वेवलैथ किसकी है सबसे कम वेवलेथ पे कौन है दैट इज वायलट ठीक है द लीस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का दूसरा नाम अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो वेवलेंथ का मतलब है कलर्स। सिंपल तो सबसे कम जो है वो कौन किसकी वेवलेंथ है वेवलेंथ आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर ठीक है एम्पलीट्यूड और उसके जो डिस्टेंस होता है सो इट इज ऑफ वॉलेट और सबसे मैक्सिमम किसकी है रेड क्लियर सबसे ज्यादा जो वेबल्थ है वो रेड की है जो कि 620 से स्टार्ट होती है साढ़े छह सौ तक जाती है ठीक है और सबसे कम जो है वॉलेट की थ्री एटी टू अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड नैनोमीटर्स सो डे स्टूडेंट होपफुल आज का लेक्चर आपको क्लियरिफाई हो क्या होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज